साहब, पहले तो आपका जी की नगरी नाथद्वारा में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद जी। सर पहला ही सवाल, यूपी में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा, क्या आशय था? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं जी, और सारी दुष्ट शक्तियां लगी हुई है कि योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनने ना दे, जिसमें सबसे बड़ा रोल है माफिया का जी। आप जानते हैं कि पहले यूपी की क्या परिस्थिति थी, महिलाएं रात में छोड़ो दिन में भी नहीं घूम सकती थी, और गुंडा राज इतना था कि 10-20 हजार रुपए के लिए भी गोलियां चल जाती थी, लोगों को मार दिया जाता था। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में माफिया को समाप्त कर दिया, और आज महिला दिन में तो छोड़ो रात में भी बेखौफ घूम सकती है। तो उन तमाम गुंडों का खात्मा कर जो गुंडों द्वारा किसानों की जमीनें एवं हिंदुओं की जमीनें जो जबरन जब्त की थी, उन पर बुलडोजर चढ़वा कर योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर 1 BHK हाउसेस जैसे अनेकों प्रकार की जो जनता के लिए लाभ आए, ऐसे अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं। मेरा जो स्टेटमेंट उन गुंडों के ऊपर था, लेकिन आप सब जानते हैं कि बोलते कुछ लेकिन वो निकल जाता कुछ, तो तोड़ मोड़ के उस चीज को वो समय पर प्रेजेंट किया गया था। मेरा टारगेट ही गुंडों के ऊपर था और माफिया के ऊपर था। नहीं, हर बार यही क्यों कहा जाता है कि मीडिया तोड़ मरोड़ के पेश करती है, क्यों आप ही लोग एकदम क्लियर कट नहीं कर देते? देखिए, हर बार ऐसा होता है, व्यक्ति सोचता कुछ और है और जनता में वो कुछ और चले जाता है। मैंने आपको क्लियरली कहा कि मेरा टारगेट ही गुंडे माफिया, वही लोग थे मेरा टारगेट। ओवैसी को भाजपा की बी टीम माना जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ओवैसी कांग्रेस की भी बी टीम कहा जाता है, और हमारे तेलंगाना में जो सरकार है वो तो मुख्यमंत्री खुद कहता है वो हमारा बड़ा भाई है। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी का कभी मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि ओवैसी की सोच देशद्रोही सोच है, धर्मद्रोही है वो व्यक्ति, क्योंकि खुद उसके छोटे भाई के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज है। तो देशद्रोहियों से हमेशा कभी भी भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती नहीं रह सकती। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है देशद्रोहियों का समाप्त यानी समापन, टोटली खत्म हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अगर हम ओवैसी पार्टी का अगर हम इतिहास देखेंगे तो इनके जो पूर्वज थे, ये लोग जब भारत देश को आजादी मिली, कई स्वतंत्र सेनानियों ने प्राणों का बलिदान देकर भारत देश को आजाद करवाया, तो यही ओवैसी के जो पूर्वज थे, ये चाहते थे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जब ये पूरा एक था, निजाम के चंगुल में था, ये पाकिस्तान में मिले। इनके पूर्वज लड़ाई वो लड़ते थे, कासिम रिजवी जैसे व्यक्तियों को इन्होंने शरण दिया था, एक बहुत बड़ा मकान बनाकर इनके पूर्वजों ने दिया था। तो ऐसे गद्दारों से कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं मिल सकती, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे गद्दारों का खात्मा चाहती है। सर, लेकिन ओवैसी की यूपी में मौजूदगी भाजपा को फायदा पहुंचा रही है? देखिए, हर व्यक्ति कहता है, हर पार्टी कहती है कि ओवैसी जहां जहां चुनाव लड़ता है ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाता है, लेकिन ओवैसी की जो सोच है वो मैं आपको आज क्लियर करना चाहूंगा। ओवैसी एक बिजनेसमैन है, और मुसलमानों को सबसे बड़ा धोखा देने वाला अगर कोई भारत में कोई व्यक्ति है तो वह है ओवैसी। हैदराबाद में उसका पार्लियामेंट क्षेत्र है, खुद की पार्लियामेंट क्षेत्र में जीरो विकास इन्होंने किया है, खुद की पार्लियामेंट क्षेत्र में मुसलमानी जो महिलाएं होती है, जो नाबालिग होती है, उनको विदेशों में बेचा जा रहा है, सऊदी में, दुबई में, यहां वहां पर बेचा जा रहा है, जो छोटी सी लड़कियां हैं, खुद उसके पार्लियामेंट क्षेत्र की महिलाओं की वो रक्षा नहीं कर सकता है, और वो भारत देश के मुसलमानों की रक्षा की बात करता है। ये व्यक्ति की जो सोच है, जैसे बंगाल में, महाराष्ट्र में, अलग अलग स्टेटों में, इसने जब जब चुनाव आता है वहां वहां पर इसके कैंडिडेट जो खड़ा करता है, ये सिर्फ ऑपोजिशन को डराता है, उनसे पैसा डिमांड करता है, ये एक बहुत बड़ा पैसा कलेक्शन करने का उसका ये षड्यंत्र है। देखिए, कहीं हर राज्य में तो मुस्लिम वोट बैंक है, और वो क्लियरली कांग्रेस को जाता है या वहाँ जो सरकार होती है वहाँ को जाता है। तो ये व्यक्ति की सोच क्या है, जैसे आपको, आप सपोज आप सापा के हैं, वो आपको ब्लैकमेल करता है कि अगर आप मुझे पैसा नहीं देंगे तो आप
कि जो जहाँ विधायक है, जहाँ जहाँ मुस्लिम ज्यादा संख्या है, वहां वहां मैं अपना कैंडिडेट खड़ा करूंगा और वोट काटूंगा। जिसका फायदा किसको होगा आपको पता है, मेरा कैंडिडेट आपके विधानसभा में खड़ा नहीं रहना है तो मुझे पैसा दो। ये उसके पहले से ही नीति रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस विषय पर कई बार बात भी कही है कि ये सिर्फ बिजनेसमैन है और मुसलमानों को धोखा देने वाला व्यक्ति। तो क्या बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है? देखिए, बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलता है जी। वो मुसलमान बीजेपी को वोट करते हैं जो देश हित में बात करते हैं, वो मुसलमान बीजेपी को वोट करता है जो बीजेपी की नीतियों को स्वीकार करते हैं। आज देखिए, त्रिपुल तलाक पर मोदी जी ने एक बिल लाया। त्रिपुल तलाक कितना बड़ा एक इश्यू था। आज एक व्यक्ति एक शादी करता है, उस महिला से दिल भरने के बाद में तलाक तलाक सिर्फ तीन बार बोलने के बाद में तलाक हो जाता है। लेकिन त्रिपल तलाक के लिए हिजाब लेके आ गए वो लोग। देखिए, पहली तो बात, तलाक का जो त्रिपुल तलाक जो एक जो कानून लाया गया जिसमें हर महिलाएं आज मोदी जी को एक भगवान का रूप में देख रही है, एक बड़े भाई का रूप में देख रही है। अब हिजाब की अगर हम बात करेंगे, कर्नाटक में क्या हो गया था, जब भी एग्जाम होते थे तो हिजाब के बहाने पेपर्स ऊपर छुपा के ले जाना, कॉपी करना, इस प्रकार का काम होता था। और क्या हो जा रहा था, हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर सरकार का एक ड्रेस कोड होता है, भाई स्कूल में आपको ये ड्रेस कोड डाल के आना, ये ड्रेस कोड डाल के आना। तो कईयों दिनों से, कईयों महीनों से, कईयों सालों से प्रयास था कि भाई एक ड्रेस कोड में आए सब लोग और अच्छा पढ़े और अच्छा सा उनका फ्यूचर बनाए। लेकिन पर्टिकुलर एक वर्ग के लोग, जिसको हम मुस्लिम्स भी कह सकते हैं, हिजाब पहन कराना, वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन कराना स्कूल में उनको देखकर, फिर हिंदू भी बड़े बड़े तिलक लगा कराना, काशा या वस्त्र डाल कराना, तो ऐसा हो जा रहा था कि वो पढ़ाई का क्षेत्र नहीं, एक दंगल हो जा रहा था। तो इसलिए सरकार ने वो सभी चीज़ों को दृष्टि में रखकर कि भाई हिजाब भी बैंड हो, सभी चीज़ बैंड हो, अगर स्कूल आना है, जो सरकार की जो नीति है, जो ड्रेस कोड जो सरकार ने जो प्लान किया है उसी को पहन कर। लेकिन बताया जा रहा है कि लोग या हिंदू विशेष करके हिजाब के खिलाफ चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं, क्या हिजाब के वाकई में खिलाफ है? देखिए, हिंदू कभी भी हिजाब के खिलाफ नहीं। हिंदू ये चाहता है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन सही तरीके से बने। अगर आप पढ़ाई में तो अगर धर्म को लेंगे तो ना आपका फ्यूचर बना सकते और ना ही स्टेट का नाम कर सकते हैं। हमने इससे पहले भी कहा था कि कई ऐसे मौलवीज हैं जो अनेकों प्रकार का कमेंट करते हैं। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार हेल्थ के लिए है। भाई, आप सूर्य को नमस्कार करते हो या ना करते हो आपकी मर्जी है। अगर आप सूर्य नमस्कार में भाग लेते हो या नहीं लेते, आपकी मर्जी है। वो हम नहीं कहते ना, जबरदस्ती हम थोपने का काम नहीं करते, लेकिन सूर्य नमस्कार जो है, जो आसान है, जो हेल्थ के लिए है, आप सुरक्षित रहे, आप अच्छे रहे, ये हम चाहते हैं। उसके ऊपर भी आप लोग कमेंट करते हो। सर, अहमदाबाद ब्लास्ट वाले मामले में कल फैसला आया था, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं अहमदाबाद की पुलिस सरकार को हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से उस ब्लास्ट के केस को उन्होंने देखा है। जिन जिन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उन सभी लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करके जेल में डाला है, और इतिहास में शायद पहली बार 38 लोगों को फांसी और कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा कभी नहीं मिली, ये मिली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों द्वारा, जिस ब्लास्ट के कारण 50 अबो लोगों की प्राण गए, 50 से अधिक लोग उस ब्लास्ट में मर गए, जो मरने वाले लोग वो कौन थे? कोई पॉलिटिकल नेता थे? क्या कोई संघ से संबंधित थे? क्या कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, आम इंसान थे, जिनके पास गाड़ी नहीं थी, वो बस स्टॉप पे या रोड पे इधर उधर चलने वाले लोग थे, वो लोग मारे गए, उनका क्या कसूर था? लेकिन मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को फांसी हुई, कृपया करके जेल के अंदर उनको फांसी ना दे, चौराहे पर उनको लटकाए, जैसे दूसरे देशों में होता है। ऐसे गद्दारों को, ऐसे देशद्रोहियों को, जो निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, 20 चौराहे पर अगर इनको हम फांसी देंगे, आने वाले समय में कोई भी आतंकवाद ये सोचेगा कि भारत में अगर हम निर्दोष लोगों को अगर मारेंगे तो हमें 20 चौराहे पर या फांसी चढ़ाया जाएगा या गोली मारा जाएगा। अगर सरकार इस पे भी अगर ध्यान देती है तो मैं हृदय से धन्यवाद पकड़ करूंगा, क्योंकि आज दिन ब दिन आतंकवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत देश का खाकर भारत देश के विरोध नारे लग रहे हैं। कुछ ही दिन पहले आंध्र प्रदेश में भारत देश के खिलाफ नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, दिल्ली में यूनिवर्सिटी में भारत देश के खिलाफ नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। यानी देख रहे होंगे आप लोग, विचार कर रहे होंगे कि भारत देश का खाकर, भारत देश में जन्म लेकर
और ये लोग अपने बाप जो है पाकिस्तान को मानते हैं। तो ऐसे गद्दारों को अगर सही तरीके में, अगर इनमें भय का अगर वातावरण पैदा होना है, तो जब अहमदाबाद में जिन जिन लोगों को जो फांसी की सजा हुई, बीच चौराहे पर उनको या फांसी दे या गोली मारे।